प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, जो हम आपको यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और करते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है, जो हम आपसे बार बार पिछली वीडियो में समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है, जो हम आपको प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं और समझा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो चाहे वीडियो में हो आपका, या आपका एग्ज़ाम हॉल में हो, या आपका कंपटीशन हॉल में हो, या आपके स्टडी रूम में हो, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन 2 मिनट का 1 मिनट में आसानी से कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन आपका आपके सामने, क्वेश्चन आपका है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज़रा ध्यान दें, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम अगर वर्ग सेंटीमीटर लिख दें तब भी सही है। ज़रा ध्यान दीजिए, हम आपको प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका। इसको आप चाहें तो वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आगे आप देखिए, h बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो r ज्ञात करो। h बराबर क्या है आपका, 5 सेंटीमीटर हो तो r ज्ञात करो। यहाँ पर आपका h ऊंचाई है बेलन की, r आपकी त्रिज्या है। अब आप देखिए अपने आंसर या सलूशन में, आप आंसर या सलूशन में देखिए सूत्र क्या है या फार्मूला क्या है आपका। संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πr, ब्रैकेट में क्या है आपका, r प्लस h। अब जरा आप ध्यान दें, संपूर्ण पृष्ठ क्या है आपका, 88 बराबर 2 × 22/7 गुणा r, r प्लस h। यहाँ पर पाई का मान आपका क्या है, 22/7 या 3.14। r आपको निकाल कर लाना है, r प्लस h, h का मान यहाँ पर 5 है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, 22 दूनी 44 और 44 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 88। 44 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 88। तो 2 आपके सामने है, किसके बराबर हो जाएगा ये, इसकी इससे करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 5r 5r/7। अब तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आर स्क्वायर प्लस 5r और 7 दूनी 14। इधर आएंगे तो माइनस का 14 = 0। अब जरा आप ध्यान दें, जो आपका फैक्टर है या गुणनखंड है, आपका फैक्टर है या गुणनखंड है, ज़रा ध्यान दें, 14 को ऐसा तोड़िए कि आपको गुणा करने पर माइनस का 14 आए, जोड़ने घटाने पर आपका क्या है, 5 आए। तो 7 की गुणा अगर आप 2 से करेंगे 14 मिल जाएगा, और 7 में से जब आप 2 निकालेंगे 7 प्लस का रहेगा, 2 आपका निगेटिव का रहेगा, जब आप 2 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस का 5। आगे आप देखिए, आपको जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 7 और आपको मिलेगा आर माइनस 2। ये आपका आर प्लस 7 आर माइनस 2। अब जरा ध्यान दें, एक बार जब आप इसको इसके बराबर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर बराबर माइनस का 7। एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको मिल जाएगा प्लस का 2। जरा ध्यान दिए, हम दोबारा बता रहे हैं, जब आप इसको इसके बराबर रखेंगे तो आर बराबर माइनस का 7, एक बार इसको रखेंगे तो आर बराबर प्लस का 2। अब जरा आप ध्यान दीजिए, आर बराबर क्या मिल गया आपको, 2 सेंटीमीटर। अब जरा आप ध्यान रखें, आर बराबर क्या मिला आपको, 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 क्या आ गया आंसर, जो भी हम हल करके लाए हैं, ये आपका सोल्यूशन करने पर या हल करने पर आपको 2 मिला। लेकिन सेंटीमीटर कहाँ से आया, सबसे मेन बात है, सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लगाएं, अगर आपके क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर लगाइए। ये बात हम आपसे बार बार प्रत्येक वीडियो में समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में जैसा भी आपको दे रखा हो, सेंटीमीटर दे रखा हो सेंटीमीटर रखें, और मीटर दे रखा हो तो मीटर रखें। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।